टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। और अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोज में जो क्लास ट्वेल्थ मैथ और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन और डायरेक्टिव्स, इसके दो टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमने दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा और इसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके एग्जांपल सॉल्व किए, और एक्सरसाइज 6.1 6.2 हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन डायरेक्टिव का जो थर्ड टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या एप्लीकेशन और डायरेक्टिव का क्या एप्लीकेशन करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएशन है उसका यूज़ करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। एक कर्व, उसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। यहाँ डिफरेंशिएशन का यही यूज हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले जो हमने क्लास इलेवेंथ में स्ट्रेट लाइन में जो चैप्टर था उसमें इक्वेशन फाइंड करने सीखे थे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड ये था कि लाइन किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट लिया है, और उसका एक स्लोप हमें मालूम होना चाहिए। स्लोप और एक पॉइंट यदि मालूम है तो हम उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्स नॉट वाई नॉट और एम है तो क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यही हम यूज करेंगे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि हमें एक पॉइंट, तो पॉइंट तो गिवन ही होगा, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा, तो हमें जो मेन काम है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो एम फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना, टेंजेंट लाइन का और नॉर्मल लाइन का हम स्लोप एम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें पुट करके सब सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया है और उसे ड्रॉ कर लिया है, ये ब्लू लाइन से ये कर्व को ड्रॉ कर लिया है, ऐसा ही हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। और इसके पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है यहाँ पर, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया गया है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल लाइन कहा जाता है, ये दोनों ड्रॉ कर लिए, बस ये दोनों का ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब पॉइंट क्या लिया, पॉइंट ए माना गया है एक्स नॉट वाई नॉट, तो स्लोप यदि हमको फाइंड करना है तो उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, फिर एक्स उस फंक्शन में हम पॉइंट पुट कर देंगे एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये मेथड हो गया स्लोप फाइंड करने का, ये मेथड क्या हो गया, एम जो है जो इक्वेशन में हमें चाहिए उसको फाइंड करने का मेथड हो गया। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, एक्स की जगह इस पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही लिखा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट टू द कर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या मिलेगा हमें, पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, जो इक्वेशन अभी मैंने प्रीवियस पेज में दिखाया था वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, एम की वैल्यू क्या आई एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अब इक्वेशन नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा, ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, दो परपेंडिकुलर लाइन जो स्लोप मान लीजिए एक का एम वन एक का एम टू है, तो एम वन एम टू का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एम वन इंटू एम टू इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन, तो इसका एम टू निकालने के लिए क्या होगा, एम टू की वैल्यू माइनस वन बाई एम, ठीक है, माइनस वन बाई एम, माइनस वन बाई एम मतलब कि यहाँ पे किसका स्लोप होगा, टेंजेंट का, टेंजेंट लाइन का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप यदि फाइंड करना है तो माइनस वन बाई एम वन कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस वन बाई क्या कर लिया गया, एफ डैश एक्स नॉट, तो मतलब डिफरेंशिएशन करके पॉइंट पुट करके टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, और उसको माइनस वन बाई कर लिखने पर हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, वही वैल्यू वाई माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, अब इस स्लोप की जगह नॉर्मल का स्लोप हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड आपको आ गया।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये दो दो इक्वेशन है नॉर्मल लाइन का, इसको यूज कर लिया चाहिए, मैक्सिमम तो हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके हमें क्या मिला, स्लोप। डिफ्रेंशिएशन करके एफ डैश एक्स से क्या मिला, पॉइंट पुट करने पर स्लोप। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हमें ये भी हमें कॉन्सेप्ट मालूम है प्रीवियस क्या नाम है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये सब पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो कोई एंगल थीटा यदि एक्स एक्सिस से बना रहा है लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन मान लीजिए एक्स एक्सिस से यदि एंगल थीटा वहाँ पे बना रहा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा। और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, डी वाई बाई डी एक्स से, डिफ्रेंशिएशन से। ये दोनों इक्वल हो गए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं, ये हो गया। और किसे स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया गया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते। थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल मेड बाई द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज़ द एंगल मेड बाई द सबस्टेंड बाई सबस्टेंड एट द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दो यहाँ पे केस समझाने की कोशिश किया है कि टेंजेंट लाइन, यदि टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो है, टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो है, एम की वैल्यू जीरो है, मीन्स टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, टेन थीटा तब जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो। यानी कि इसका मीनिंग यह है कि जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। और पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। पहले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट। समझ में आया, ये पहले लाइन का इक्वेशन, ये हमने स्टेट लाइन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि इक्वेशन कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट से जहाँ से भी वो पास हो रहा है वही उसका इक्वेशन हो जाएगा, वाई इक्वल टू वाई नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट। अब मान लीजिए, अब धीरे धीरे एंगल की वैल्यू जीरो थी यहाँ पे, उसको 90 की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, 90 की तरफ ले जाने का मीनिंग क्या है, टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। थीटा टेंस टू 90, मान लीजिए वो 90 हो गया, 90 हुआ तो अब टेंजेंट लाइन हमारा जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। थीटा यदि 90 होता है तो टेंजेंट लाइन हमारा परपेंडिकुलर है एक्सिस के पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये दो कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू टू। तो सिंपली वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन किया गया एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स का वन, हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करना, पॉइंट पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू टू क्या आ गया, इलेवन। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। डिफ्रेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और पॉइंट एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे, या टू पुटेंगे, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जै ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन। ठीक, चलिए कर लीजिए, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन हैज इट्स स्लोप टू बाई थ्री। तो ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप टू बाई थ्री, तो पॉइंट फाइंड कीजिए। प्रीवियस एग्जांपल 14 में वहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना था और पॉइंट गिवेन था, यहाँ पे स्लोप गिवेन है, पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका जब डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो यहाँ चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, वन का जीरो, वन का जीरो, जीरो तो लिखा नहीं है इसने। और फोर एक्स माइनस थ्री पावर का करेंगे वन बाई टू का, डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम ही है वन बाई टू, ठीक है। मान लीजिए एक्स पावर एन है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब माइनस वन करना है, वन बाई टू माइनस वन करेंगे माइनस वन बाई टू। और चैनल से ये फोर एक्स माइनस थ्री का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा फोर एक्स का वन हो जाएगा, थ्री का जीरो, थ्री का जीरो, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन आप प्रीवियस चैप्टर में सिक्स में फाइव में बहुत अच्छे से किए हैं, ये तो होती जी डिफ्रेंशिएशन है। तो टू और फोर कैंसिल होकर टू बाई और माइनस वन बाई रूट टू का मतलब है अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट नहीं पता, पॉइंट ही फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब ये जो स्लोप है जो गिवन है टू बाई थ्री, इसके इक्वल होगा, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसकी मदद से हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। टू टू कैंसिल हो गया और
टू टू कैंसिल हुआ, ठीक है, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 3 का 9, ठीक है। तो क्या हो गया, 4x-3=9, 9 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, सॉरी 3 को जब आप दूसरे साइड भेजेंगे तो 9+3 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 by 4 is 3, x की वैल्यू आई 3। और ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इस कर्व में हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12-3 दैट इज 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, 3-1 is 2, 3-1 is 2, तो y की वैल्यू 2, तो x3 1 2, तो पॉइंट हो गया 3 2, पॉइंट क्या होगा 3 2, समझ में आया। तो एक एग्जांपल में 14 में पॉइंट देकर स्लोप किया फाइंड करने के, तो वहाँ भी हम पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे बाद में, और यहाँ पे पॉइंट पूछा है स्लोप दे दिया है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप के इक्वल पुट करके पॉइंट फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू निकल गई, कर्व को सेटिस्फाइड करेगा तो वहाँ हम पुट कर देंगे। ईजी है, अभी सॉल्व कर लीजिए, डॉक्टर को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y+2/x-3=0। कर्व क्या गिवन है, y+2/x-3=0, ठीक है। और इस कर्व का टेंजेंट जिसका स्लोप 2 है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, और जितने पॉसिबल टेंजेंट हो सकते हैं, टेंजेंट क्या एक लाइन ही है, तो वही पूछा है। फाइंड द इक्वेशन ऑल लाइंस जिसका स्लोप 2 है और टेंजेंट है कर्व y+2/x-3=0। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है और कर दिया है, तो सबसे पहले वही करेंगे। एग्जांपल में 15 हमने किया है, इसका क्या करेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करिए, इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, 2/x-3 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरे साइड और डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, तो y इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे साइड तो y की वैल्यू मिलेगी -2/x-3, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, -2 का होगा नहीं, x-3 to power -1 करेंगे तो -+ हो जाएगा और पावर इंक्रीज हो जाएगा, 2/x-3 होल स्क्वायर आ गया। अब स्लोप कितना दिया हुआ, 2 को इक्वल पुट करके 2 कैंसिल, x-3 होल स्क्वायर की वैल्यू 1, और जब स्क्वायर लेंगे +-1, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वैल्यू आएगी 3+1 4, जब नेगेटिव जब वैल्यू लेंगे तो आ जाएगी 2, पॉजिटिव +1 लेंगे एक बार माइनस वन लेंगे, +1 लेने पर 4, और +1 लेने पर 4 आएगा, नहीं -1 लेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, तो इसकी दो वैल्यू आ रही है 2 4, तो वाई की वैल्यू भी 2 आएगी, 2 आएगी। तो ये हम इस कर्व में पुट करेंगे, तो पहले 2 पुट कर लीजिए, 2 यहाँ पुट करेंगे, -2/2-3, ठीक है। तो 2-3 करेंगे तो नीचे आएगा -1, ऊपर है -2, -2 कैंसिल, 2/1 = 2, तो जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है। नेक्स्ट है 4 जब पुट करेंगे यहाँ क्वेश्चन में तो 4-3 1, तो -2/1 दैट इज -2, तो एक पॉइंट आया 2 2, दूसरा पॉइंट आया 4-2, तो दो पॉइंट आए हैं, तो आपको दो टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना है, बोला ना, ऑल पॉसिबल ऑल लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है, तो बहुत ईजी हो गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप भी मालूम है हमें, स्लोप दोनों का सेम है, स्लोप जो है 2 वो सेम है, स्लोप सेम है, तो y-y0 m x-x0 करेंगे तो ये हो गया 2 2, और ये m 2, ठीक है। तो y-2 2x-4, और 4 में से 2 सबट्रैक्ट कर देंगे, -4+2 सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा -2, और ये दोनों वैल्यू को ट्रांसफ़र इधर कर दिया गया, y-2x+2 दैट इज 0, ठीक है। पहले या तो आप इसको पूरा कर उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 2x-4 ट्रांसफ़र करेंगे, +2x-2 हो जाएगा, और ये जो -4 है इधर आएगा +4 -2 दैट इज +2 आ जाएगा। अगला है 0.4-2, तो y0 और x0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, y0 की वैल्यू -2 x0 की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये जब पुट करेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा y+2, और ये x-x0 जो है वो 2x-8, इसको ट्रांसफ़र करेंगे y-2x, ये हो जाएगा +2, और ये आ जाएगा -8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे LHS में, तो ये हो जाएगा +8 +2 +10, दो इक्वेशन मिल गया। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ शो नहीं हो रहा था वीडियो में, तो फिर से देख लीजिए, ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा y+2, और 2 से 2 करेंगे 2x-8, ट्रांसफ़र करेंगे +2x-2x हो जाएगा, ये +2 है, -8 ट्रांसफ़र करने पे +8 हो जाएगा +10, y-2x+10=0।
अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट फाइंड करना है। कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, एट विच जिस पर टेंजेंट्स और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, दो कंडीशन दिया हुआ है। जो टेंजेंट है उस पॉइंट को फाइंड करना है जिस पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तभी जो दो केस था वहीं समझाया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा मीन्स वाई इक्वल टू वाई नॉट इक्वेशन था और थीटा की वैल्यू जीरो थी और स्लोप भी जीरो था, स्लोप एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू जीरो था। तो स्लोप फाइंड करके इसको जीरो कर देंगे तो शायद पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरे केस में भी स्लोप को फाइंड करना ही करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पर स्लोप की वैल्यू इन्फाइनाइट थी और थीटा की वैल्यू 19 और इक्वेशन जो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ये दो केसेस हमने अभी पढ़ा। तो स्लोप फाइंड कर लिया, सॉरी डिफरेंशिएशन करके स्लोप फाइंड कर लिया। तो डिफरेंशिएशन तो आप कर लेंगे, डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं सिखाना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 4 तो 2x बाई 4 और 2 से 4 कैंसिल होगा, x बाई 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 25 है तो 2 बाई 25 और dy बाई dx, इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये दूसरे साइड जाएगा तो माइनस x बाई 2, ठीक है। फिर 2 बाई 25 को ट्रांसफ़र करेंगे, इसे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, माइनस x बाई 2 पहले ट्रांसफ़र होगा फिर 2y बाई 25 ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये 2y 25 ट्रांसफ़र करेंगे आप, 25 ऊपर और 2y नीचे, तो 2 पहले से है तो 4y हो जाएगा और x बाई 2 जब ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस आएगा। तो टोटल स्लोप जो आया माइनस 20/4 x बाई वाई। अब आते हैं पहले कंसिडेंस में पैरेलल पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब ये है जो स्लोप है टेंजेंट का वो जीरो हो गया, स्लोप जीरो, टेन थीटा जीरो मीन्स थीटा जीरो। तो ये स्लोप जीरो कर दिया हमने तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब ये वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पुट करेंगे, कर्व में, कहाँ पुट करेंगे, कर्व में पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, ये तो टर्म जीरो हो गया। तो वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 25, तो वाई की दो वैल्यू प्लस माइनस 5, वाई की दो वैल्यू प्लस माइनस 5 मतलब दो पॉइंट मिला, एक मिला जीरो प्लस 5, एक जीरो माइनस 5। यदि पॉइंट क्या मिला जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो पॉइंट है 0, 5 और 0, -5। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप, ठीक है, स्लोप अब नॉर्मल अब यहाँ जीरो होगा, ठीक है। हाँ तो वहाँ पे केस में क्या पढ़ा था हमने, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन्फाइनाइट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना है, माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे केस पढ़ा था हमने ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका स्लोप इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट है, इसका मतलब एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू इन्फाइनाइट। जब हम नॉर्मल स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे या इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा जीरो, ठीक है। अभी समझ में आ गया, यदि पैरेलल है तो नॉर्मल जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो जीरो आ गया। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकलेगा कैसे, इसका रेसिप्रोकल क्या है, माइनस 1 बाई एफ डैश, यही ना पढ़ा हमने पीछे, माइनस 1 बाई एफ डैश। तो मतलब इस सारी वैल्यू को माइनस 1 बाई करके लिख दीजिए, जब माइनस 1 बाई करके लिखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, मतलब 4 बाई ऊपर 25x नीचे और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 1 बाई एफ डैश ही है ना, तो माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 4 बाई 25 बाई एक्स। और यहाँ से क्या मिला, टोटल वैल्यू ट्रांसफर करेंगे वाई को छोड़कर तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर से कर्व में पुट कर देंगे तो एक्स की, हाँ, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2, मतलब दो पॉइंट मिला, एक 2 0 एक माइनस 2 0, ठीक है। समझ में आएगा कैसे से करना पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में यदि करते हैं हम तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो हो जाएगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस यदि करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन्फाइनाइट, इसका क्या मीनिंग है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जीरो कर देंगे, सीधा सीधा आप स्लोप ऑफ द नॉर्मल जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू मिलेगी और दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कर्व का इक्वेशन यूज़ करिएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 18 देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। कर्व गिवन है वाई एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एट पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, पॉइंट भी दे दिया है, पॉइंट दिया है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को यदि कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है। सिर्फ एक्स हुआ, मतलब कि पॉइंट होगा एक्स जीरो या एक्स नॉट जीरो, जो भी हम पॉइंट एक्स नॉट पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एक्स जीरो या वाई की वैल्यू तो कन्फर्म हो गई, ठीक है। उस पॉइंट कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जीरो, यदि कट कर रहा है तो वाई की वैल्यू जीरो, वाई की जीरो वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यदि आप जीरो पुट करेंगे एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री जाकर मल्टीप्लीकेशन होगा
तो ये जीरो हो गया, मतलब एक्स माइनस सेवन की वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू सेवन, तो पॉइंट तो मिल गया सेवन जीरो, इस पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्लोप। स्लोप मिलेगा डिफ्रेंशिएशन से। अच्छा, इस डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे कैसे, ठीक है? तो आप ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए तो डायरेक्ट आप कोसेंट रूल यूज़ कीजिए, यू बाई वी डैश का, ठीक है, यू बाई वी डैश का। और नहीं तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? पार्शियल फ्रैक्शन, जो अभी हम आगे के चैप्टर में सेवन में पढ़ेंगे, वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करना सीख जाएंगे। तो आप इसको डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, तो बाद में डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग। पार्शियल फ्रैक्शन बस यही है कि इसको हम अलग अलग करके आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सके या इंटीग्रेशन कर सके, जो आगे हम पढ़ेंगे। और अभी तक तो पढ़ा नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया, इसका मतलब इसको किससे करना होगा आपको, आप इससे क्वेश्चन रूल से ही कर लीजिए, ठीक है? अभी तो इसको हम करना सिखा देते हैं, कैसे होगा अभी करके हम बता देंगे। पहले जो है उसको टेंजेंट कैसे फाइंड करना उसको देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन अभी थोड़ी देर बाद सिखा देते हैं। तो पहले आप इसका मान लीजिए कि ये डिफ्रेंशिएशन करने पे इतना आया वैल्यू, ठीक है, तो ये स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। स्लोप में सेवन जीरो की वैल्यू पुट करनी है। स्लोप कितना आया, वन माइनस वाई, टू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस टू और टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पुट करना है, सेवन जीरो, ये जीरो, तो माइनस टू माइनस थ्री हो गया सेवन, सॉरी सेवन जीरो, सेवन जीरो पुट करेंगे, एक्स वैल्यू सेवन, सेवन माइनस टू फाइव हो गया, सेवन माइनस थ्री फोर हो गया, फाइव फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, ऊपर जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो से वन होता है, वन बाई ट्वेंटी आएगा। स्लोप भी मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो आसान है फाइंड करना, ठीक है? यहाँ मैंने थोड़ा सा पेंसिल से किया हुआ है, तो अभी इसको हम करके ही बता देंगे। पहले हम स्लोप फाइंड कर ले, तो सॉरी इक्वेशन फाइंड, ठीक है? देखिए स्लोप और टेंजेंट जो है वो सेवन जीरो, ये हो गया पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और एम की वैल्यू वन बाई ट्वेंटी, तो पुट करना है वाई माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है? तो पुट कर लीजिए, क्या दिया है, वाई नॉट की वैल्यू जीरो, एक्स नॉट की वैल्यू सेवन, ट्वेंटी, ये हो गया वाई इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी एक्स माइनस सेवन, ट्वेंटी इंटू करेंगे ट्वेंटी वाई प्लस एक्स माइनस सेवन, ट्रांसफर कर देंगे, ट्वेंटी वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ट्वेंटी वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब आता है डिफ्रेंशिएशन करना, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ लॉग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड का लॉग लेकर भी इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लॉग जब लेंगे आप दोनों साइड का, तो ये लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस सेवन, ये दोनों डिनोमीटर में है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस टू, फिर माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, और अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, ठीक है? और लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, ये देखिए वन बाई एक्स माइनस सेवन, फिर लॉग एक्स माइनस टू, या मीनिंग की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस टू, फिर लॉग एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आपका जो डिफ्रेंशिएशन आया हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए मान लीजिए इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, लॉग लेते हैं दोनों साइड, लॉग वाई लॉग एक्स माइनस सेवन माइनस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स चैन रूल से, लॉग एक्स माइनस सेवन का एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और जो वैल्यू है, ठीक है, वो लेके आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई से इंटू हो जाएगा। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है, इनको करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस टू, तो ये तो कितना आ गया, टू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये आ गया। ओके, अब किससे करना है, एक्स माइनस सेवन से, ठीक है, इंटू वाई, ये वैल्यू यहाँ छोड़ा मैंने, लिख लीजिएगा वन बाई एक्स माइनस सेवन डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, ठीक है? आगे देखिए, ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, इसमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स माइनस सेवन का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस सेवन, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ ध्यान कीजिए, जो हमें वैल्यू लेके आनी है डी वाई बाई डी एक्स का, वन माइनस वाई टू एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई
एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये वैल्यू लेके आनी है। इसके लिए क्या करिए, ये सिंप्लीफाई मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो y बाई एक्स माइनस सेवन और टू एक्स माइनस फाइव इंटू वाई बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ गया ये वैल्यू। ये देखिए y इंटू टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ गया। अब पूरा लेके आते हैं y की वैल्यू, यदि पुट करते हैं यहाँ पे पुट करिए, यहाँ नहीं जरूरत है। तो x माइनस सेवन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और x माइनस सेवन का और वन बाई एक्स माइनस सेवन अलग लिख दिए, ये वैल्यू अलग लिख दिए और y की वैल्यू पुट कर दिए, x माइनस सेवन कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एलसीएम लेंगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ पे y टू एक्स माइनस फाइव आ गया जो वैल्यू बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी मालूम है कि हमें इसी फॉर्म में लेके आना है, ये तो यहाँ पे लाया हुआ था बुक में, तो हम उसी फॉर्म में लेके आए हैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन हमें एग्ज़ाम में नहीं मालूम होगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ठीक है, तो पॉइंट तो हमें मालूम ही है 07, बस यहाँ तक लिख कर इसमें 070 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे यदि आप 070 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको y का मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म में अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों टर्म में अलग अलग करना पड़ेगा जिससे y सेपरेट हो जाए, पूरा टर्म जीरो ना हो, तो इस फॉर्म में इसलिए इसको लेके आए हैं। देखिए यहाँ की वैल्यू 70 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जीरो और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, इसलिए इसको इस टर्म में और इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि पूरी वैल्यू जीरो नहीं होगी, सिर्फ ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म नहीं जीरो होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही हम काम करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल दोनों फाइंड करना है। करो गया गिवन है एस टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू 2/3 इक्वल टू 2, और पॉइंट क्या दिया है, 1/1 दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले स्लोप फाइंड कर लो, पॉइंट दिया हुआ है तो सिर्फ हमें स्लोप चाहिए। सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आता है आपको 2/3 और ये 2/3 है तो कितना हो जाएगा, -1 करेंगे, -1/3, यहाँ भी -1/3 होगा, dy/dx 2/2/3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा x -1/3 और y टू द पावर -1/3, पहले x -1/3 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर -1/3 है तो नीचे आ जाएगा ये, फिर y का मल्टीप्लिकेशन होगा उधर जाकर, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा, 2/3 y टू द पावर 1/3 dy/dx, ये वाला टर्म उधर भेजेंगे आप, -2/3, ठीक है, और x टू द पावर -1/3, 2/3 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx माइनस, अब ये माइनस y टू द पावर -1/3 को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, x पर -1/3 y टू पावर -1/3, अब ये -1/3 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस है इसे आप रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स और पावर हो जाएगा पॉजिटिव, -y/x 2/+3, ये सब कर लेंगे, ये तो लोअर क्लास की बातें हैं। आगे हैं तो स्लोप आ गया -y/x 1/3, पॉइंट क्या है, 1/1 पॉइंट फुट कर दीजिए तो स्लोप आ गया -1, अब तो आसान है, टेंजेंट फाइंड करने के लिए y-y0 और x-x0, ये वैल्यू पुट कर देंगे, y-x को ट्रांसफर करेंगे +x, +1 को ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो -1 पहले से ही दोनों मिला के -2, y+x-2 = 0, ठीक है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हुआ, 1/1, ठीक। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है तो -1 आया, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल यदि फाइंड करना क्या होगा, -1/स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो हमने शुरुआत में पढ़ाया -1/f' था ना, तो f' मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक, कितना आया था, -1 दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया 1। अब आसानी से भी हो जाएगा, y-y0 1/1, और स्लोप की वैल्यू 1 पुट कीजिए, ये हो जाएगा +x, ये -1 ट्रांसफर करेंगे, +x-x हो जाएगा और -1 कैंसिल हो गया 0। ये प्रोसीजर आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.3 में हमें मिलेंगे। एग्जांपल नंबर 20 देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय,
अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई है तो हमें जो फाइंड करना है वो डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप के लिए डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो दोनों का ये तो पता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों ही पॉइंट का, ये दोनों जो इक्वेशन है प्राइमरी इक्वेशन, दोनों का ही जिस वेरिएबल में ही होंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। दोनों टी में है, पॉइंट दिया टी इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में कीजिए, साइन थ्री टी साइन क्यूब टी, तो पहले पावर, यहाँ पर चैन रूल यूज़ होगा, कंपोजिशन फंक्शन है, तो पहले पावर का करेंगे क्या हो जाएगा, ये थ्री साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे कॉस टी, बी कॉस क्यूब टी, तो हो जाएगा कॉस का माइनस साइन टी, और माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, पहले कॉस क्यूब टू का हो जाएगा तो माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर से देखिए डिफ्रेंसिएशन, पहले पावर करेंगे थ्री कॉस स्क्वायर टी होगा, कॉस टी का जब दोबारा करेंगे तो माइनस साइन टी, तो ओवरऑल माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी। क्या करना है अब, डी वाई बाई डी एस निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डी वाई बाई डी टी ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर में और डी एक्स बाई डी टी रहेगा डिनोमिनेटर में। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया गया, माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, थ्री थ्री कैंसिल, ये देखिए एक साइन यहाँ से एक साइन यहाँ से कैंसिल, नीचे साइन आ जाएगा, एक कॉस यहाँ से कैंसिल, एक कॉस यहाँ से कैंसिल, तो ऊपर एक कॉस बचेगा, माइनस बी बाई ए कॉस टी बाई साइन टी, तो हो जाएगा कॉट टी, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी कॉट टी, ठीक है। तो उसने नहीं चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। टी की वैल्यू कितना है, पॉइंट के दिया हुआ पाई बाई टू, पाई बाई टू पुट कर लीजिए, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू, ठीक है, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, और साइन नाइन्टी की वैल्यू पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो जीरो बाई वन इज़ जीरो, ठीक है। यदि आप कॉट भी लिखते हैं तो कॉट नाइन्टी की वैल्यू जीरो और कॉट जीरो की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो कॉट नाइन्टी लिखता है, कॉट नाइन्टी की वैल्यू जीरो, तो स्लोप तो जीरो हो गया, ठीक है। स्लोप जीरो का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, वाई इक्वल टू वाई नॉट, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन टू द एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई नॉट, तो वाई इक्वल टू वाई नॉट पॉइंट, ठीक है। तो वाई नॉट है क्या, पॉइंट फाइंड करने के लिए जो वाई की वैल्यू है, वाई नॉट निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 90 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वाई इक्वल टू वाई नॉट हो गया ना, तो वाई की वैल्यू जीरो, और यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं, 90 रखने पे वैल्यू आ गया ए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन, तो पॉइंट आया ए जीरो, पॉइंट आया ए जीरो, पॉइंट की वैल्यू आई ए जीरो, ठीक है। और इक्वेशन और टेंजेंट जो पैरेलल हो एक्सेसिस, तो ये हमने अभी केस में क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वाई इक्वल टू वाई नॉट, और वाई नॉट क्या है यहाँ पे जीरो, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया, वाई इक्वल टू जीरो। आप ऐसे इक्वेशन भी पुट करके भी करना चाहते हैं, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, तो पॉइंट तो ए जीरो है, तो यहाँ वाई नॉट की वैल्यू जीरो और एक्स नॉट की वैल्यू ए पुट कर दीजिए, एम क्या है जीरो, तो ओवरऑल जीरो हो गया, तो वाई इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 सॉल्व हो गया है, पूरे एग्जाम्पल इसके हो गए, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले स्लोप फाइंड करना, ये टेंजेंट और नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन का क्या यूज है, स्लोप फाइंड करने के लिए, फिर जो इक्वेशन है वाई माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस डी यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद इसको क्या क्या कैसे स्लोप फाइंड करना है, फिर कैसे हमको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, स्लोप और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे वो सीखे, और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे फाइंड करना है वो सीखा, और यहाँ पे दो केस पढ़े पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, फिर जो टाइप पढ़े पहला टाइप हमने स्लोप फाइंड करना सीखा, दूसरे टाइप में हमने पॉइंट फाइंड करने का सीखा, पॉइंट कैसे फाइंड करना जब स्लोप गिवन हो, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड किया टेंजेंट का, फिर पॉइंट फाइंड किया है जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया गया है जब एक्सिस को कट किया गया, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉन वो दोनों फाइंड किया गया पॉइंट पे, पॉइंट गिवन था, और लास्ट क्वेश्चन जो था 20 था, सॉरी लास्ट एग्जांपल जो 20 है उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना, ये इतने टाइप के हमने 7 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, अब एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में सब करेंगे हम लोग।